Warm welcome to our students. Today we are discussing about the 8th lesson of class 9, Health is Wealth, Tandusti Harar Nemath hai. Start karte hain. इस लेसन के जरिए आपको बताया जाएगा कि आपके लिए साफ और शफाफ चीज़ खाना कितनी अहमियत की हामिल है। वन डे काशिफ वेंट शॉपिंग विद हिज मदर। एक दिन काशिफ अपनी माँ के साथ शॉपिंग पे गया। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स ही आस्क्ड हिज मदर इफ ही माइट बाय सम। वो मिठाइयों का बहुत ज़्यादा शौकीन था। उसने अपनी माँ से मतलब कहा कि क्या हम यहाँ से कुछ मिठाइयाँ खरीद सकते हैं। मदर नो नो काशिफ यू शुडंट बाय एनी स्वीट फ्रॉम दी शॉप। मैंने जवाब दिया नहीं नहीं काशिफ तुम्हें शॉप से कोई भी मिठाई नहीं खरीद सकते। सिर्फ फ्लाइज आर सिटिंग ऑन देम। देखो मक्खियाँ इनके ऊपर बैठी हुई हैं। इफ़ यू ईट दो स्वीट्स यू विल फॉल इल। अगर तुम इन मिठाइयों को खाओगे तो तुम बीमार हो जाओगे। काशिफ ऑल राइट मदर लेट्स वॉक अक्रॉस द रोड लुक हियर इज अनदर शॉप। काशिफ ने जवाब दिया ठीक है अम्मी चले हम रोड के उस पार चलते हैं। देखें माँ यहाँ पर एक और दुकान है। शैल वी बाय सम फ्रॉम हियर क्या हम यहाँ से कुछ खरीद सकते हैं। मदर यस इट्स क्लीन वन। मैं जवाब दिया हाँ ये कुछ साफ नजर आ रही है। देयर आर नो फ्लाइज यहाँ पे कोई भी मक्खियाँ नहीं हैं। ओ नो आई हैव जस्ट सीन अ मैन स्वीपिंग द रोड बाय द शॉप। ओ नहीं मैंने अभी यहाँ से स्वीपर को झाड़ू लगाते हुए देखा है। देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा धूल है। यू ऑट नॉट ईट एनी थिंग इफ देयर इज डस्ट ऑन इट। तुम कोई भी चीज़ नहीं खाओगे जिसके ऊपर मट्टी या धूल बैठी हुई हो। फ्लाइज एंड डस्ट कैरी हंड्रेड्स ऑफ जर्म्स एंड देयर एनिमीज ऑफ आर हेल्थ। मक्खियाँ और धूल हमारी मक्खियों और धूल में बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं और यह हमारी सेहत के दुश्मन होते हैं। Tell me more about these germs. काशिफ ने अपनी माँ से कहा कि बराए करमी मुझे जरासीम के बारे में और कुछ बताइए। मदर लिसन वेरी केयरफुली बड़े एहतियात से सुनो। दिस जर्म्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स। ये जरासीम बहुत छोटे जानदार होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्स्ट आई इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। यू ओनली सी देम थ्रू अ माइक्रोस्कोप। इसे आप सिर्फ और सिर्फ खुदबीन के जरिए ही देख सकते हो। काशिफ ने जवाब दिया कि कैसे फ्लोटिंग ऑन डर्टी थिंग। मैंने जवाब दिया बच्चो तुमने देखा होगा कि मक्खियाँ गंदी चीज़ों पर बैठती हैं। देयर आर जर्म्स ऑन दिस थिंग जरासीम इन गंदी चीज़ों में होते हैं। एंड दे स्टिक टू द फ्लाइज लेग्स और वो मक्खियों की टांगों पर चिपक जाते हैं। व्हेन द फ्लाई सिट एंड वॉक ऑन आवर फूड द जर्म्स स्टिक इनटू इट। और जब यही मक्खियाँ आकर हमारे गिज़ा पर बैठती और चलती हैं तो जरासीम हमारे गिज़ा पर मुंतकिल हो जाते हैं। एंड वैन वी ईट डेट फूड द जर्म्स गेट इन टू आर बॉडीज एंड मेक अस इल। और जब हम इसी खाने को खाते हैं तो जरासीम हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं।
वीडियो आपको दिखाई गई थी इसलिए कि ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मक्खियाँ किस तरीके से सेम को मरीज़ तक पहुँचाती हैं। अब हम मार्केट करना स्टार्ट करते हैं। काशिफ ओ आई सी सो वी शुड नेवर ईट सच स्वीट्स एंड फूड दैट आर नॉट प्रॉपरली कवर्ड। काशिफ जवाब देता को ओ अच्छा मो मैं आइंदा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाऊंगा, ऐसी मिठाई नहीं खाऊंगा जिस जो गज़ा मुकम्मल तौर पर ढकी हुई ना हो। मदर डस आल्सो कैरी जर्म्स। मदर ने जवाब दिया कि बेटा धूल में खाक में बहुत जरासीम होते हैं। वी कांट सी दैम बट द एयर इज़ फुल ऑफ दैम। हम इन्हें नहीं देख सकते लेकिन हवा इनसे भरी हुई होती है। सो यू मस्ट रिमेंबर नॉट टू ईट फूड इफ फ्लाइज हैव बीन सिटिंग ऑन इट और देयर इज डस्ट ऑन इट। तो तुम बेटा याद रखो कि तुम कोई भी ऐसी गज़ा नहीं खाओगे जिसके ऊपर मक्खियाँ बैठी हुई हैं या उसके इर्द गिर्द धूल मौजूद हो। काशिफ राइट आई वॉन्ट बाई एनी थिंग फ्रॉम दिस शॉप वेयर थिंग्स आर नॉट प्रॉपरली कवर्ड। काशिफ जवाब देता है ठीक है मॉम मैं ऐसी कोई भी चीज़ खरीदना नहीं चाहूँगा जो शॉप मुकम्मल ढकी हुई ना हो। मदर अ ग्रेट मैनी डिजीजेज आर कॉज बाय दिस। मदर ने जवाब दिया कि बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं जरासीम की वजह से होती हैं। फॉर इंस्टेंस द जर्म्स ऑफ टाइफाइड एंड सेवरल अदर डिजीज आर कैरिड बाय फ्लाइज। मिसाल के तौर पे टाइफाइड और मुख्तलिफ जरासीम इन मक्खियों मुख्तलिफ बीमारियाँ मक्खियों की वजह से होती हैं। काशिफ बट मदर आई हैव रीड इन माई बुक दैट मलेरिया इज कॉज बाय अ काइंड ऑफ मॉस्किटो एंड नॉट बाय फ्लाइज। काशिफ लेकिन माँ मैंने अपनी बुक में पढ़ा है कि मलेरिया जो है एक किस्म के मच्छर के काटने की वजह से होता है ना कि मक्खियाँ। मदर ट्रू यू आर राइट माँ सही तुम सही कह रहे हो। वंस कैन गेट मलेरिया फ्रॉम मॉस्किटो बाइट। मलेरिया जो है मच्छर के काटने की वजह से ही होता है। काशिफ वेयर डू द मॉस्किटो लिव्स। काशिफ ने जवाब काशिफ ने पूछा कि मॉस्किटो मच्छर कहाँ रहते हैं। दिया मच्छर जो है ठहरे हुए पानी में रहते हैं। सम पीपल यूज कैरोसिन ऑयल एंड डीडीटी टू किल द मॉस्किटोज बिफोर दे आर बिग इनफ टू फ्लाई अवे एंड बाइट हेल्दी पीपल। कुछ लोग इनको मारने के लिए मिट्टी का तेल और कीड़े मारा अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये मच्छर बड़े होकर किसी हेल्दी पीपल को ना काटें। If everybody in Pakistan takes part in the fight against mosquitoes, we will soon get rid of malaria. काशिफ ने कहा कि अगर हर कोई पाकिस्तान के अंदर मलेरिया के खिलाफ अपना जिहाद में अपने लड़ाई में हिस्सा डाले तो हम बहुत जल्द ही मलेरिया से पाक हो जाएंगे। मदर यस माई सन आई थिंक सो टू। माँ जवाब दिया हाँ मेरी बेटा मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती हूँ। वी शुड ट्राई टू कीप आर सेल्फ हेल्थी एज हेल्थ इज वेल्थ। इफ यू हमें अपने आप को हमेशा हेल्दी रखने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि तंदुरुस्ती ही हजार नेमत है। इफ़ वी आर नॉट हेल्दी वी वॉन्ट बी एबल टू वर्क हार्ड स्टडी एंड लर्न। अगर हम खुद सेहतमंद नहीं होंगे तो ना ही हम मुश्किल काम कर सकेंगे ना ही पढ़ सकेंगे और ना ही कुछ तालीम हासिल या ना ही कुछ हम सीख सकेंगे। कंप्लीट ख़त्म होता है। छोटा सा लेसन था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। You can ask me. The four important questions of this chapter you write down in your copy and give answer in your own wording. Thank you. Allah Hafiz.